नमस्कार, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले विपरीत राजयोग के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेरी है ज्योतिष या वास्तु से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि यह विपरीत राजयोग होता क्या है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसमें 12 खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं, जिस इसमें से 3 भाव जो त्रिक भाव होते हैं 6, 8, 12 और 4 केंद्र भाव होते हैं और 2 त्रिकोण होते हैं, 3 त्रिकोण होते हैं और 3 उपचय भाव होते हैं। तो ये जो आपका 6, 8, 12 है त्रिक भाव, यह सबसे वर्स्ट कंडीशन का पराश्री ज्योतिष के हिसाब से माना गया है। 6 नंबर घर जो है हाउस, वह कोर्ट केस, लिटिगेशन, आपकी बीमारी, आपका कंपटीशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, हम इस भाव से देखते हैं। और 8th हाउस से किसी भी तरह का पीड़ा है, हम पीड़ा को देखते हैं, सर्जरी को देखते हैं। और 12th हाउस से हम हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं, आपका बेड देखते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट देखते हैं, आपके खर्चे देखते हैं। जब ये 6, 8, 12 भाव के मालिक इस 6, 8, 12 में बैठते हैं तो यह एक योग बनता है जिसे हम विपरीत राजयोग के नाम से जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो इसमें 6th हाउस के लॉर्ड मरकरी हुए और 8th और 1st के मार्स हुए। पर यहाँ पे अगर 8th हाउस में मार्स बैठेंगे क्योंकि वह लगन लॉर्ड है तो प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि आपका लगन कमज़ोर होगा। और 12th के जो लॉर्ड हैं जुपिटर हैं, तो ये मरकरी और जुपिटर ये 6, 8, 12 में कहीं भी बैठेंगे तो इनकी दशा अंतर दशा में, प्रत्यंतर दशा में आपको इनसे अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इनकी जो मान लीजिए 6th हाउस में है मरकरी है या जुपिटर है, तो यहाँ पे जो ये प्लैनेट बैठते हैं तो आपको जैसे कोर्ट केस है, लिटिगेशन है, आपकी पीड़ा है, आपका बीमारी है, जब यहाँ पे बैठेंगे तो उस चीज़ से आपको राहत मिलेगी, आपको उनसे प्रॉब्लम, क्योंकि अपने घर में बैठे हैं तो इसलिए यहाँ पे आपको समस्याएं नहीं आएंगी। फिर और 6, 8, 12 में जो मेलिफिक प्लैनेट हैं जैसे सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, अगर ये यहाँ पे बैठते हैं तो वैसे भी ये आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो जैसे अभी मार्स है, मार्स से अगर 6th हाउस में बैठ गए तो आपसे अगर कोई लड़ाई करता है, कोर्ट केस करता है, आपका शरीर में कोई बीमारी होती है तो यह प्लैनेट आपके शरीर में पावर देता है, ऊर्जा का कारक है, आपके ब्लड का कारक है, तो आपके शरीर में लड़ने की क्षमता देगा। आप किसी भी कार्य को आराम से संघर्ष के साथ उस कार्य में आप आगे बढ़ सकते हो। अब जैसे लेकिन यहाँ पे अगर जैसे बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर है, सन है, मून है, वीनस है, मरकरी है, पर यहाँ पे जैसे जुपिटर अगर है तो जुपिटर क्या है, ज्ञान है, साधु है, टीचर है, तो अब वो तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो साधु है, वो कमंडल लेके साइड में खड़े रहेंगे, उनको क्या करना है कोर्ट केस लिटिगेशन से। पर अगर उनका खुद की राशि यहाँ पे है, इसलिए कोई भी साधु जैसे अपने घर में रहेगा तो वो गलत नहीं होने देगा, लेकिन अगर वो यहाँ पे बैठे विपरीत राजयोग में है तो आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देंगे। आपको ये यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि अगर जुपिटर और या किसी भी प्लैनेट की राशि है और वो 6, 8, 12 में अगर ये यहाँ पे बैठते हैं तो आपको उसमें आप उनकी दशा अंतर दशा में आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। नमस्कार।